गाइज वेलकम बैक टू माई अदर व्लॉग। तो अभी सबसे पहले सुबह सुबह हम जा रहे हैं नाश्ता करने एंड फिर करेंगे बाकी के घर के काम। A few moments later. Hey guys, तो अभी घर का सारा काम प्लस मेरा नहाना धोना सब हो चुका है डन एंड अब जा रही हूँ मैं फाइनली खाना खाने के लिए। बहुत जोर की भूख लग गई है एंड आज खाने में बना है बहुत ही स्पेशल चीज़ जो मैं आप लोगों को खाना पूरा से निकाल कर दिखाती हूँ। तो ये है मेरा टेस्टी थाली गर्मा गर्म चावल एंड ये मटन करी जो बनाई है पापा ने। पहले मेरे घर में सिर्फ मैं भुक्कड़ थी जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ताने सुनने पड़ते थे, बट फिर मैंने अपनी बहन को भी भुक्कड़ बना दिया। मतलब लिटरली अभी हम लोग ने मटन करी खाई है एंड उसके बाद हम लोग बैठ के कल की प्लानिंग कर रहे थे कि कल एक लास्ट डे है सावन शुरू होने के पहले, तो हम लोग सोचे थे फिर कल बिरयानी खा लें एंड हम लोग बैठ के जोमेटो पर प्राइजेस चेक कर रहे थे कि कहाँ से मंगवाना है कौन सा मंगवाना है। वी आर सो भुक्कड़ एंड अभी ये पूरा सामान फैला हुआ है, गिलासेस यहाँ पे अभी नीचे खाए हैं तो पोछा मारना है, प्लस बाहर फैले हुए हैं बर्तन, तो अभी ये पूरा बर्तन धोने होने की जिम्मेदारी है मेरा। कभी भी यार आदमी लोग बनाते हैं तो ठीक है अच्छा स्वाद वाला बना तो देते हैं पर बर्तन बहुत निकालते हैं यार और धोना पड़ता है हमको फिर। बात तो सही है कोई नहीं कर लेंगे। तो अभी पूरी साफ सफाई फाइनली हो गई है डन, स्पेशली सावन के लिए पूरा पर्दा चद्दर वद्दर सब निकला गया है धोने के लिए कि आज जिसको खाना है खा लो, उसके बाद पूरा धो वो के नया बिछेगा एंड अभी कपड़े भी रखे हैं सुखाने के लिए तो मैं जा रही हूँ कपड़े पसाने छत पे। वैसे धूप थोड़ा सा हट ही गया है बट हवा चल रही है तो डाल देते हैं। वैसे काफ़ी अच्छी बात है कि इस बार 2 महीने का सावन है, बट मेरी चिंता ये है कि मैं 2 महीने कैसे अपने आप को कंट्रोल करूँगी खाने पीने से। भगवान शक्ति देना। तो अभी ये पूरा कपड़ा पसारना हो गया डन, प्लस डाल रही हूँ अभी सारे पौधों में पानी क्योंकि शाम तो हो ही गया है एंड पूरे धूप हट गए हैं तो अब पानी डाल सकते हैं। तो अभी इन पौधों में पानी वानी डालना हो गया डन, प्लस नीचे भी मैंने बहुत पानी पानी कर दिया है तो अब जाती हूँ मैं खुद नीचे। तो अभी बर्तन धोते धोते मैं दे रही थी मेरे सिस्टर की बायोग्राफी, मतलब तारे जमी पर गजब बेइज्जती है। तो मैं ये आ भी गई है बाहर, वैसे मेरे को मन था थोड़ा सा मोमोज खाने जाने का, पूछती हूँ इससे मेरे साथ चलेगी कि नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट लाइक माय सिस्टर, उसको मैं कुछ भी बोल दूँ इतना ज़्यादा भाव खाती है वो। अभी उसको बोली चल साथ में मोमोज खा लेते, साला पैसा मेरा, गाड़ी मैं चलाती हूँ, उसको बैठ के जाने में और खाने में दिक्कत। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। एक को बुलाओ दोनों आ जाते हैं। अरे मेरा फुद्रू जल्दी आ, बेइज्जती मत करवा देना, आ जा। अरे 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 तू चाट मत। देख तू कैसे दिखता है, बस चाट मत यार। फाइनली ये मैंने ले लिया अपना चिकन मोमोज एंड इसको मैं ये बोल रही थी नहीं आऊँगी बट फाइनली आ गई, बट खा रही नहीं है। तो हम अपना लास्ट ये चिकन मोमोज इन्जॉय करेंगे क्योंकि इसके बाद तो 2 महीने का सावन चालू हो जाएगा। आजकल बहनों से काम कराने के लिए भी ये सब रिश्वत देनी पड़ती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं खाई मोमोज बट ये खाई नहीं इसलिए इसको रिश्वत दी हूँ। मतलब रिश्वत इस चीज़ का नहीं है, रिश्वत थोड़ा किसी और चीज़ का ही है, पर्सनल। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं इतनी गरीब हूँ कि मेरे यहाँ शीशे खरीदने के भी पैसे नहीं होंगे। लिटरली वो ऐसे बताते हैं कि तुम फैल रही हो, तुम मोटी हो रही हो। अरे यार मुझे पता है कि मैं मोटी हो रही हूँ, मैं मोटी हो रही हूँ तो दूसरों को क्या दिक्कत होता है, मेरे को ये भी समझ नहीं आता है। अरे भाई मैं मोटी होंगी, मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं पतली होंगी, मैं फिर खा के मोटी होंगी, लाइफ में और काम ही क्या है। और वैसे भी ऐसी बॉडी बनाने के इजी लगते हैं, इजी नहीं है ये, इजी नहीं है।
ये आम कच्चा है, दूसरा आम लेकर आती हूँ वेट। तो ये वाला थोड़ा अच्छा खासा पका हुआ है एंड मेरी बहन खा रही पी रही थी माजा जो भी, तो मैंने सोचा कि मैं फिर ओरिजिनल आम खा लेती हूँ। अब हम इंजॉय करेंगे हमारे ये प्योर मैंगो। तो रोटी बनाना, प्लेटफॉर्म क्लीनिंग हो गई है डन, प्लस अभी बनाया है ये आलू का भुजिया, प्लस ये टेस्टी वेजिटेबल मिक्स रायता एंड ये दिन का मटन। अभी खाना इतना सारा हो गया था उसमें कि बहुत सारा खा ली, बट लास्ट में ये रायता नहीं खा पाई, तो अभी लास्ट में यही खा रही हूँ ताकि थोड़ा सा डाइजेशन हो जाए मेरा। पेट और सेट बहुत फुल हो चुका है। हाँ नहीं, 12 भी नहीं बजे टाइम है। हे गाइस, तो अब मैं जा रही हूँ फाइनली सोने के लिए एंड गर्मी भी काफ़ी लग रही है अंदर। दो दिन बारिश करके अभी पूरा गर्मी कर दिया है। तो फिर गुड नाइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। तब तक के लिए टाटा बाय। नहीं पता दादी, हाँ क्या कर रही है।